दोस्तों नमस्कार। आपने पे नियर बाय के मेरे कुछ वीडियो देखे होंगे, जिसमें मैंने रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर से संबंधित दोनों प्रकार के वीडियो बनाए थे और बहुत सारे क्वेरीज तो आई हैं उसके बाद भी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनने में फ़ायदा क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने, रिटेलर कैसे बनाए, इसके ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो पहले से बना के रखे हुए हैं और इसलिए मैं उस पर ज़्यादा अभी चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन जो लगातार आ रहा था और जब फ़ोन आप लोगों के आते हैं तो मेरे को लगा एक वीडियो और बना देना चाहिए, क्योंकि हर किसी को फ़ोन पर अगर मैं जानकारी देता रहूँगा तो दूसरे जो काम है हमारे वो प्रभावित हो जाएंगे। तो बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता दूँ कि पे नियर बाई का अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हो तो आपको बेनिफिट हैं क्या। इसको कई लोग समझते हैं, जैसे हम लोग उनसे बोलते हैं कि भाई आपको मिनिमम 10 आईडी या 20 आईडी से काम चालू करना पड़ेगा, तो वो सोचते हैं कि कंपनी उनको कोई टारगेट दे रही है और उनको उतने CSP बनाने ही पड़ेंगे। पहली चीज़ ये है कि यदि आप 10 या 20 CSP नहीं बना सकते तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के 20 से 50,000 रुपये महीना कमा पाओ, तो ये तभी संभव है जब आपके अंडर में कम से कम 20 या उससे ज़्यादा रिटेलर हों और वो अच्छा खासा बिजनेस करें। कोई कंपनी आपको टारगेट नहीं दे रही है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर बनने का पहला फ़ायदा तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने अंडर में BC बना के रखना है। मैं किसी एक बड़े शहर का उदाहरण लेता हूँ कि मान लीजिए किसी ने भोपाल जो है वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली हुई है। अब बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे जो कि YouTube या दूसरे माध्यम से या पे नियर के बारे में उन्होंने सुना होगा, तो वो डायरेक्ट कंपनी के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा देंगे। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तो फ्री हो जाता, हो सकता है उस समय आपको कोई चार्जेस ना लगे, लेकिन चूँकि वो जो बंदे ने भोपाल से फॉर्म भरा हुआ है, तो जब कंपनी उसको क्या करेगी कि जो भोपाल का डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसको वो फॉरवर्ड कर देगी और वो जो क्लाइंट है वो ऑटोमेटिकली या जो वो BC है ऑटोमेटिकली भोपाल वाले डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में आ जाएगा। मतलब यदि भोपाल का डिस्ट्रीब्यूटर खुद नहीं भी बना रहा है तो यदि उससे संबंधित क्षेत्र के आसपास की कोई रिटेलर की क्वेरी कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगी तो वो उसमें जोड़ देगा। कई बार ये भी होता है कि मैं जबलपुर में बैठा हूँ और आपने YouTube या किसी माध्यम से मेरे को बिहार की अगर बोला तो क्या होगा, एप्लीकेशन तो सबमिट मेरे पास है कंपनी के पोर्टल पे हो जाएगी, लेकिन जब इस ये जाएगी तो ये बिहार के ही कोई डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी या RM के पास जाएगी। तो आपको भविष्य में यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो तो आप रिटेलर बनाओ ना बनाओ, लेकिन आपके क्षेत्र में कोई ना कोई तो BC कभी ना कभी बनेगा, चाहे वो किसी के भी माध्यम से बने, कोई दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से क्योरी आए, कंपनी के माध्यम से आए, लेकिन वो आएगा आपके अंडर में। तो आपको कंपनी से भी सीधा बेनिफिट मिलेगा कि कंपनी के जो भी क्योरीज होंगी, नई एप्लीकेशन होंगी, वो आपके अंडर में चली जाएंगी। ये तो हुआ कि आपको बिना मेहनत के हो सकता है BC मिल जाए और अगर आपने मेहनत कर ली तो और आपके BC बढ़ जाएंगे। अभी जो BC कमाता है वो तो एक अलग चीज़ है, एजेंट जो कमाएगा CSP लेगा या रिटेलर जिसको हम बोलें उसका हर चीज़ का कमीशन जो है वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा। उदाहरण के लिए बात करें कि अगर वो ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसका मोटा मोटा हर ट्रांजेक्शन का 1 रुपये के आसपास जो है वो आपको मिलेगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ज़्यादा भी बताया था, लेकिन इसका एक हिस्सा आपके जो स्टेट हेड रहते हैं उसके पास चला जाता है, तो ये 50-50 बढ़ जाता है। मान लीजिए यदि कोई MP का है और वो मेरे अंडर में बना हुआ है तो 1 रुपये तो मेरे को मिलेगा और 1 रुपये जो MPCG हेड हैं उनको चला जाएगा, तो इसलिए वो 50% हो जाता है। तो यदि आपके अंडर में मान लीजिए मोटा मोटा 20 है, BC बन जाते हैं या रिटेलर बन जाते हैं और वो 20 ट्रांजेक्शन पर डे करते हैं, तो आप सोचिए कि टोटल जो आपके अंडर में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो 300 से 400 ट्रांजेक्शन होंगे। हर ट्रांजेक्शन का आपको 1 रुपये के हिसाब से 300 से 400 रुपये आपने कमा लिया। यदि हम 400 रुपये दिन मिनिमम मान लें तो भी आपका 12,000 रुपये महीना फिक्स इनकम ये हो जाती है। बाकी मेरा अनुभव इससे बेटर है, इससे ज़्यादा कमा सकते हैं और अभी कमी BC है जितनी मैं क्षमता रखता हूँ। इसके बाद हर BC को टॉपअप दिन में लेना ही पड़ता है। यदि हर BC ने
10-10 हज़ार रुपये का भी टॉपअप किया है। मैंने आपको एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें वॉलेट बैलेंस के बारे में और ट्रेड बैलेंस के बारे में बताया है। कभी ना कभी ऐसा टाइम उसको दिन भर में आएगा कि वो ट्रेड बैलेंस को वॉलेट में ट्रांसफ़र करेगा। यदि वो 10 हज़ार रुपये की राशि भी ट्रांसफ़र करता है या 10 हज़ार का टॉपअप लेता है तो सीधे सीधे आपको 19 रुपये की इनकम होती है। मेरे कई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो कि दिन में 5-5, 6-6 बार ट्रेड टॉपअप से वॉलेट टॉपअप में ट्रांसफ़र करते हैं। यदि आप सोच लीजिए कि अगर उसने 5 टाइम भी एक BC कर रहा है तो 19 रुपये के हिसाब से मोटा मोटा अगर हम देखें तो 90-95 रुपये का कमीशन हमको एक एजेंट दे रहा है। अगर यही हाल 20 एजेंट हमको करके देंगे तो आप सोचिए कि लगभग 2,000 रुपये पर डे भी आपकी इनकम हो सकती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 20 से 50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। उसके बाद यदि वो मोबाइल रिचार्ज कर रहा है, डिश टीवी रिचार्ज कर रहा है, तो उसका कमीशन आपको अलग से मिलना है। सबसे ज़्यादा फायदा, आप कई लोग बोलेंगे 1 रुपये ट्रांजेक्शन कोई बड़ी रकम नहीं है, ठीक है, वो 20 ट्रांजेक्शन करेगा आपको सिर्फ 20 रुपये मिलेगा। लेकिन जो ट्रेड टॉपअप है, मेरे की भी जो सबसे ज़्यादा इनकम होती है वो मेरे को ट्रेड टॉपअप से मिलती है कि जब वो लोग टॉपअप करते हैं सीधा सीधा 10 हज़ार का उन्होंने टॉपअप किया तो मेरे को 19 रुपये मिल गया, और 10 लोगों ने भी किया तो 190 रुपये कहीं नहीं गया, तो बहुत अच्छी इनकम है। अब समस्या क्या आ रही है कि जितनी भी मेरे पास क्योरीज आ रही हैं वो 10 हज़ार रुपये जैसी छोटी सी रकम लगा के डिस्ट्रीब्यूटर से अपनी लेना चाह रहे हैं, और उस पर भी डाउट करते हैं KYC कब होगी, ये कब होगी, जबकि मैं स्पष्ट आपको बताया कि ID आपकी 7 डे बन जाएगी, KYC 5 से 7 वर्किंग डेज में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद वो यहाँ वहाँ कॉल लगा के कंपनी से बात करते हैं, टोल फ्री नंबर पर बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं पर भी वेरीफाई कर लीजिए, लेकिन आप डायरेक्ट कंपनी से भी ले सकते हो। लेकिन समस्या क्या है कि आपकी जो टेक्निकल क्योरीज होंगी, कभी ना कभी आप फंसोगे, वो आपकी कौन सॉल्व करेगा? हमारा जो रिटेलर होगा, हमारा जो अंडर का डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उसकी पूरी टेक्निकली प्रॉब्लम जो क्योरीज है उनको सॉल्व करने के लिए हम बैठे हैं, किसी दूसरे के लिए। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आप भी जानते हैं कि आप कोई ना कोई बैंक से जुड़े हुए हो, BC जुड़े हुए, आपकी कंपनी कितनी मदद करती है, क्योंकि उनके पास उतने बंदे नहीं हैं। टोल फ्री में जो नंबर में व्यक्ति बैठता है वो आपको एक सरसरी निगाह से जानकारी दे देगा, लेकिन वो पोर्टल के बारे में नहीं ज़्यादा जानता है, उसके पास सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, रटे से जवाब रहते हैं। आप कॉल करोगे तो वो ये बोल देगा कि आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात करो, आप अपने RM से बात करो, आप अपने एरिया हेड से बात करो, जमाने भर की बात है, ठीक है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटर बनने में फ़ायदा क्या है, तो आप समझ लीजिए कि आपको हर बार ट्रांजेक्शन का पैसा, टॉपअप का पैसा, रिचार्ज का पैसा, सारा कुछ आपको मिलेगा। और डिस्ट्रीब्यूटर बनाते रिटेलर बनाते समय जो आपको 350 रुपये पर ID का बचता है वो अलग है। कंपनी अगर उस क्षेत्र की क्योरी आती है आपके अंडर में ही, वो कंपनी खुद बना देगी, आपको उसके लिए मेहनत नहीं करना। और अगर आपने 20 से 25 अच्छे रिटेलर बना लेते हो महीने भर में, 2 महीने में 3 महीने में जो आपकी क्षमता हो, तो मैं नहीं समझता कि 20 से 50 हज़ार रुपये महीना आप कमा सकते हो। अब आप देख लीजिए कि 10 हज़ार रुपये लगा के आपको 20 से 50 हज़ार रुपये कमाना है, या आप लोग अभी भी जो बैंक के BC चला रहे हो उसमें अभी आपने 15 हज़ार से लेकर 50 हज़ार रुपये तक फंसाया है और महीने का 3 से 5 हज़ार रुपये भी आप ढंग से नहीं कमा पाते हो, तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह का काम करना चाह रहे हैं। और महीने भर तक आप परेशान होते हो कि कमीशन कब आएगा, कितना आएगा। यहाँ आपको कमीशन हर रात को 1 बजे डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन मिल जाता है, रिटेलर का कमीशन तो उसको तुरंत मिल ही जाता है। इसलिए जितने हम लोगों के अंडर के रिटेलर है वो इसलिए ट्रांजेक्शन कर रहे हैं क्योंकि उनको तुरंत कमीशन मिलता है। दिन भर उनको समझ में आता है कि हमारा 200 का काम हुआ, हमारा 500 का काम हुआ। तो मेरे वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने में क्या फ़ायदा है। आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, UP, इन 5 स्टेट में कहीं पर भी हैं, यदि आपको डिस्ट्रीब्यूटर से प्लानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन कांटेक्ट तभी करिएगा जब आपको डिस्ट्रीब्यूटर से प्लानी हो, केवल क्योरी करने के लिए मत करिएगा। क्योरी के लिए मैंने अपने पूरे वीडियो बना दिए हुए हैं, और टाइम ज़रूर से आप रखिएगा कि ID हम कोशिश करेंगे 7 डे आपको दे दें। टेक्निकल रीजन से 7 डे नहीं हो पाती है तो दूसरे दिन तो 100% मिल जाएगी, 99% तो 7 डे मिलेगी। और आपकी जो EKYC है वो 5 से 7 वर्किंग डेज में, या इसके पहले भी हो सकती है, लेकिन हम 5 से 7 दिन का आपसे समय चाहेंगे। और जहाँ एक बार आपकी KYC होगी तो आप फ्री हैंड होके अपना व्यापार कर सकते हो। रही बात डॉक्यूमेंट क्या लगना है, तो पैन कार्ड, पासबुक की कॉपी, एक फ़ोटो और आधार कार्ड की 300 DPI में आपको इमेज हमको भेजनी पड़ेगी। अमाउंट हमारे करेंट अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इतनी सी बस आपको जानकारी देनी है। क्योरीज अगर कोई बनती है तो कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिएगा। कॉल लेकिन तभी लगाइएगा जब आपको लेना हो, नहीं लेना हो तो आप प्लीज़ कॉल मत लगाइएगा। थैंक यू।